नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बच्चों, दिवाली का माहौल है और एकदम खुशी नहीं हो रही है। क्यों नहीं खुशी हो रही है, इसका भी कारण बता दूं। जब से यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट के दो पद निकाले हैं 1262 और 62 पदों के लिए, लगातार बच्चे कहीं ना कहीं व्याकुलता से मैसेज करते जा रहे हैं कि सर ऐसे कैसे होगा। इस बार तो हम कितने दिन से उम्मीद बनाए हुए थे कि हमें एक मौका मिलना चाहिए, और अब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है सर कि किसकी तैयारी करें, क्या तैयारी करें। सर आप ही बताइए कि किस एग्ज़ाम में लगना चाहिए। और इस कारण से मैं ये सेशन बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ। बच्चों, सही बात तो यही है कि कल दिवाली है और आज अंदर से एकदम खुशी नहीं हो रही है, और हकीकत यही है कि जब तक एक ऐसा लगता नहीं है कि बच्चों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, और अगर हम दूर की सोचे, थोड़ा आने वाले समय की सोचे, तो ऐसा लगता है कि सारे अवसर जो हैं बच्चों के छिन गए हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर क्या ही होगा। जो हम लोग ये इस प्रयास में सदैव रहते हैं, एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, एक जो गुरु होता है, वो अपने छात्रों के हित में यही सोचता रहता है कि प्रत्येक वर्ष मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन ले, उनके घरों में एक रोशनी जगे, उनका घर उजागर हो और उनके जीवन में खुशियां आए। किंतु इस दिवाली में यकीनन बहुत ही गंदा लग रहा है, और इसका एकमात्र कारण यही है मौजूदा स्थिति। मौजूदा स्थिति में बात करें, अपने थंबनेल भी देख लिया होगा, और बहुत सारी बातें हम इस पर करने वाले हैं, बहुत सारे हम आपको सजेशन भी देने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, क्या एक मुहिम भी होना चाहिए अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, या अगर हमें तैयारी में जुटना चाहिए तो हमें किस एग्जाम के लिए लगना चाहिए और किस प्रकार अपनी तैयारी करनी चाहिए। समग्र रूप से आपको इस सेशन में बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। बच्चों, एक आपसे विशेष अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जितना चीज़ें आपसे कनेक्ट हो जाएंगी, जितनी बार मैं आपसे अपनी बातें रख पाऊंगा, उतने ही ज़्यादा बच्चों को मैं इकट्ठा करके और कोई बड़ा जो चैलेंज है उसे मैं यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, और अन्य जो आपके मित्र हैं या किसी बड़े चैनल से अगर आप जुड़े हो तो उनको भी सेम चीज़ के लिए आप बोलो कि ऐसा करें जरूर। चलिए हम लोग आते हैं कि आपकी जो समस्या है पहले उस पर आते हैं। एक मैंने वर्ड दिया है थंबनेल पे, करो या मरो। क्यों स्थिति करो या मरो जैसी हो गई है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है पीईटी। बच्चों, आज शाम को 8 बजे हम लोग एक सेशन भी लेके आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ऐसे बच्चे जो कहीं सेलेक्टेड हैं, ऐसे बच्चे जो कहीं नौकरी जिनकी पक्की है, वो आने वाले अपने मित्रों के लिए जो कहीं ना कहीं पेपर दे रहे हैं, उनके लिए एक खास बहुत बड़ा मैसेज लेके 8 बजे आ रहे हैं। हम तीनों ही आ रहे हैं, यूपीएसआई एसआई वाले बच्चे तो खासकर, और अन्य एग्जाम वाले के लिए भी जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेशन जरूर देखिएगा। आते हैं हम लोग पीईटी से करो या मरो की स्थिति क्यों डेवलप हो गई है। पीटी जिस वर्ष स्टार्ट किया गया था, वर्ष 2021 में, उस समय ये लग रहा था कि हाँ हो सकता है कि वाकई में सरकार कुछ बहुत अच्छा सोच रही है, लेकिन शायद सरकार को ही नहीं पता था कि जो वो फॉर्मूलाज लेके आ रही है वो बच्चों के लिए और ज़्यादा घातक साबित हो जाएगी, उनके अवसर का और हनन हो जाएगा, उनके आर्थिक संकट, उनके ऊपर आर्थिक जो स्थिति उनकी और भी बेकार होगी, नुकसान उनका बहुत ज़्यादा होने लगेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके ऊपर ओवरलोड और एक जो मानसिक शोषण है वो उनका बढ़ जाएगा। इन सभी बातों को हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके। मैं आपको बताने वाला हूं कि पीटी के नुकसान क्या है। सबसे पहले तो बच्चों, पीटी का नुकसान यह है कि अगर हम देखें कि जितने भी मेंस एग्जाम में निकाल रहे, वो चाहे लेखपाल का हो, वो चाहे यूडीएलडीए का हो, या फिर उसके बाद एएनएम का हो गया, या फिर मुख्य सेविका का निकाले हैं, उसके बाद देखा जाए तो अब जूनियर असिस्टेंट के दोनों पद 1262 और 62, ये लगातार पीटी 2021 से जो वैकेंसियां होने वाली थी जिनका मैं नाम लिया हूं, वो वैकेंसियां हैं। और सब में आप देखिए कि मैक्सिमम अगर किसी पोस्ट पे गया है तो वो एक तो लेखपाल है, जो जनरल की बात करूँ, एएनएम तो एक स्पेशल डिग्री है बच्चों, पहली बात तो वो केवल महिलाओं के लिए है, दूसरी बात ये है कि उसमें स्पेशल नर्सिंग वाला मांग रहा है, तो स्पेशल डिग्री तो हमेशा फायदे में रहता है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बट एक जनरल एग्जाम जो मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, बीए करता है, बीएससी करता है, वो चाहता है कि सरकारी नौकरी एक कॉमन सेक्टर में, वो स्टेनो बनना चाहता है, वो क्लर्क बनना चाहता है, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक टाइपिंग जॉब के लिए तैयारी कर रहा होता है, कुल ऐसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा होता है जिसमें वो थोड़ा सा ऑफिस में बैठ के, जैसे लेखपाल हो गया, ऐसे सारे एग्जाम की वो तैयारी करना चाह रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पीईटी ने तो सारे बच्चों का सपना ही तोड़ दिया। आप अगर लेखपाल का ही उठा लो तो लेखपाल में लगभग 8000 पद थे, और 8000 में उन्होंने बोला था 15 गुना बुलाएंगे। हालांकि वो क्या कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन केवल 2 अंक तक लेते हैं, और नॉर्मलाइजेशन का स्कोर 7 अंकों तक होता है, 5 अंकों तक होता है, इस कारण से ओवरलैपिंग हो जाती है, तो वो 15 गुना बोलते हैं, बट उन्हें पता होता है कि ये 30 से 35 गुना होगा। तो हम केवल लेखपाल का एक आइडिया ले लें कि 8000 पद के लिए उनके हिसाब से 2.5 लाख बच्चे लगभग शॉर्टलिस्ट हुए थे, और वो जो 2.5 लाख होते हैं, हम अगर नंबर पर मत जाइए, परसेंटाइल पर जाइए, जिनके 62-63 नंबर
अव्वल थे या ऐसा बोल सकते हो जिनके 85% या उनके ऊपर थे, उन्हें केवल मौका मिला था। और लेखपाल क्योंकि बहुत सालों से आ रहा था, 2015 के बाद शायद 2016 के बाद अब आया था, तो करीबन ये आपके 8 साल बाद कोई भर्ती है तो जाहिर सी बात है 8,000 पद बढ़ जाएंगे। लेकिन जनरल हम जैसे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की बात करें या किसी अन्य पोस्ट की बात करें तो सभी में तो 8,000 पद नहीं आएंगे। और अगर मैं एक थोड़ा सा आगे की सोच लेके चलूँ तो कोई स्पेशल डिग्री अगर हटा दिया जाए या कोई नए पद अगर सृजित होते हैं, कोई नया विभाग बनता है उनको हटा दिया जाए तो शायद 8,000 पद किसी में नहीं आएगा। जूनियर असिस्टेंट में ही पहले ये हो रहा था कि 4500 का अध्याचन आया है, 4500 वैकेंसी लगभग आएगी। एक बार मन खुश था बच्चों का, बट जैसे ही वो बोले 1200 सारे बच्चे तो टूट गए। 1200 का अगर हम 30 गुना लेंगे तो 12 36, हम कह रहे हैं 40,000 बच्चे हो जाएंगे। और अगर 40,000 बच्चों को ऊपर से लिया जाए बच्चों, तो अगर 2.5 लाख बच्चे पीटी 2021 के स्कोर पे 62 नंबर पे आ गए हैं तो 40 यानी कि उसका 1/6 अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर रेशियो देखा जाए तो 95-96% के ऊपर वाले बच्चे केवल इसमें बैठ पाएंगे 94-95। अब 94-95% मजाक बात नहीं है बच्चों, इसके लिए कम से कम आपको 78-77-76 नंबर लाना होता है। और आप देख रहे हो कि पीटी का ये पेपर भी कैसे करा रहे हैं, जैसे यूपीएससी का पेपर करा रहे हैं। ऐसे इन्होंने कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत दे रहे हैं, एक एक शिफ्ट में 4-4, 5-5 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग दे रहे हैं, फिर DI इतना टफ दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, आप तो पहले बच्चों को परेशान कर रहे हो। और हर बार 10% बच्चों को 10 लिखा हूं, पीटी में केवल 15% का केस बना था, तो मैं इसे 15% नहीं बोलूंगा, 10% बोलूंगा। हर बार 10% ही बच्चों को मौका मिलने वाला है, टॉप 10% मतलब 90% के ऊपर। और 90% बच्चों को लेके आना है तो 80 नंबर कम से कम होना चाहिए। और 100 में 80 नंबर एक एवरेज बच्चे के लिए लाना इतना आसान भी नहीं है। वो वही बच्चा ला सकता है जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, या कहीं एक जगह नौकरी ले रखा है और दूसरी एक अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहा है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है 10th 12th के बच्चों के, इनका अवसर सबसे ज्यादा छीना जा रहा है। पहली बात तो आपने पीईटी पहले बोला था कि 10th और 12th और ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा, फिर आप एक कंबाइन पेपर करवा रहे हो। एक बात बताओ बच्चों, ऐसा कोई बच्चा जो अभी 10th में है, ऐसा कोई बच्चा जो अभी 12th पास करके आया है, ग्रेजुएशन में है और उसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, और अगर उसे एक नौकरी मिल जाए, अगर उसे 12th के बेसिस पे एक नौकरी मिल जाए तो शायद उसका घर, उसका परिवार पूरा रोशन हो जाएगा, उसके घर में भी चिराग जल जाएगा, उसके घर में भी खुशी आ जाएगी। लेकिन आप 10th वाले को भी, 12th वाले को भी और ग्रेजुएशन वाले को सबके लिए कंबाइन पेपर पीईटी करवा रहे हो। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो कहीं लेखपाल में पहले से सिलेक्टेड है, या 2016 या 2019 या किसी और जूनियर असिस्टेंट में वो सिलेक्टेड है, या किसी भी परीक्षा में हो सकता है, UP SSSC की ना बात करें, वो UPP कांस्टेबल में कहीं सिलेक्टेड है या कहीं और विभाग में सिलेक्टेड है। अब वो अपना उससे उच्च नौकरी चाह रहा है, और जो क्या होते हैं पहले बच्चों का यही होता है, पहले कोई नौकरी ले लिया जाए, वो चाहे समूह गा की हो, समूह घा की हो, ग्रुप डी की हो, कोई भी हो, नौकरी वो लेना चाहते हैं। उसके बाद जो उनका सपना होता है लोअर पीसेस निकालने का, या फिर कोई और 4200 ग्रेड पे की नौकरी करने का, या फिर 2800 ग्रेड पे की नौकरी करने का, या और भी अच्छे ग्रेड पे की नौकरी करने का उनका जो सपना होता है, उनको भी क्योंकि अब लोअर पीसीएस का एग्जाम है या कोई अन्य बड़े एग्जाम है या विभाग चेंज करना है या एक अच्छे स्मूथ जॉब में आना है, तो जाहिर सी बात है वो पीटी तो भरेगा ही भरेगा, और वो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है ऑलरेडी। अब जब 3-4 साल से तैयारी कर रहा है तो नो डाउट कि उसके स्कोर 80-75 से 85 के बीच में बहुत आराम से आ जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं सिलेक्टेड, मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि बहुत आराम से उनका आ जाता है। तो वो बच्चा जो अभी 12th पास किया है, जो ग्रेजुएशन में, वो चाहता है कि काश मुझे जूनियर असिस्टेंट ही मिल जाता, काश मुझे कोई ऐसे क्लर्क की ही वैकेंसी मिल जाती और मैं वहाँ पे एक बार अपना पहले परिवार के लिए एक सहारा बन पाता, फिर मैं आगे अपने सपने को रियलाइज़ करता। तो वो तो कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 12th अभी जस्ट पास हुआ बच्चा, उससे हम ये बोल दें कि बच्चों तुम 85 नंबर ले आओ, बच्चों तुम 90 नंबर ले आओ, शायद हम उसे ऐसे नहीं कर सकते। सबका एक समय होता है, तैयारी का एक समय होता है, एक उपक्रम होता है, एक प्रोसेस के बाद ही चीज़ें कवर होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक सालों लग जाते हैं सीखने में, तब जाके स्कोर इन्हेंस होता है। वो हम उन बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कहीं नौकरी ले रखे हैं या पढ़ने में बहुत सारे अच्छे 3-4 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। तो उनके अवसर का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ,
दूसरी बात, हम इसके विपरीत इन बातों पे बात कर ले कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो मान लो कि लोअर की परीक्षा देना चाहता है, वो ऊपर की परीक्षा देना चाहता है, अच्छे ग्रेड पे की नौकरी देना चाहता है, लेकिन कोई 10th और 12th वाले बच्चे भी ऐसे होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं जो अच्छा स्कोर ले आते हैं, तो उनके चलते इनका भी अवसर का अगर छिन रहा है, तो आप तीनों को अलग क्यों निकल दे रहे हो? 10th 12th ग्रेजुएशन को या तो आप अलग कर दो, यहाँ पे आप उनका नुकसान कर रहे हो। तीसरी बात सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, लेट लतीफा। आपने क्या हमें तर्क दिया था? तर्क ये दिया था कि इससे क्या होगा, जो सिलेक्शन होगा उसमें तेजी आएगी। बच्चों में किस बात पे? 2016 की जो वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की, वो आज तक नहीं क्लियर हो पाई है। सब कुछ हो गया तो आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो, आप उनका विभाग आवंटित नहीं कर रहे हो। 2019 आप रोज बोलते रहते हो कि ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, आप उसका नहीं कर रहे हो। लोअर की परीक्षा 2019 की परीक्षा है, 2021 में उसका मेंस हुआ, 2022 खत्म होने पर है, उसका रिजल्ट आप नहीं दे पा रहे हो। ANM जिसके लिए आपको सबसे बड़ा टैग था, उसमें भी आप बोल रहे हो कि इसमें दिक्कत आ गई। लेखपाल आप PET से करवाए हो, उसके बाद बोल रहे हो STF के चक्कर में यहाँ पे रुका हुआ है, वो काम नहीं हो रहा। तो कहाँ से आप तेजी लेके आ रहे हो? तेजी तो नहीं ला पा रहे हो। इसके ऊपर से बच्चा पहले PET देने के लिए माइंड मेकअप करता है। आप अगस्त सितंबर अक्टूबर में PET लेते हो, बच्चा मार्च से ही तैयार होने लगता है कि यार 6 महीना मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा परसेंटाइल कमजोर हो जाएगा। परसेंटाइल कमजोर हो जाएगा, परसेंटाइल कम रह जाएगा, तो वो आगे अवसर उसे नहीं मिलेगा। अब वो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने की तैयारी करता है, सितंबर अक्टूबर में पेपर देता है। सितंबर अक्टूबर में पेपर देने के बाद भी वो सर्टेन नहीं है कि वो कहां पे उसका चयन होगा, कौन सी वैकेंसी आएगी। ना ही आपका एक प्रॉपर कैलेंडर होता है, ना ही उस प्रॉपर कैलेंडर पे आप काम करते हो। जो कैलेंडर दे भी देते हो, दो दो साल तीन तीन साल पुराना कैलेंडर हो जाता है, तारीख बदल जाती है, आपका कैलेंडर नहीं बदलता है। ये एक अजीब सी ही विडंबना है, और आप बोलते हो हम काम में तेजी लेके आएंगे। दूसरी बात, बच्चा पहले PET का पेपर दे, PET में अच्छे परसेंटाइल के लड़े, उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा दे, ऐसे एग्जाम जिसमें स्किल टेस्ट है, जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम्पल ले लिया जाए, जिसमें केवल टाइपिंग होना था। पहले वो केवल रिटर्न एग्जाम देता था, टाइपिंग करता था, अब वो PET देगा, रिटर्न एग्जाम देगा, एकेडमिक की चिंता है उसे, उसके बाद फिर देखा जाए वो टाइपिंग देगा, फिर आप उसमें DV में भी प्रोविजनल लगा दोगे, अपना ही लेकर। तो एक बच्चा जो 4 साल 5 साल अगर एक ही वैकेंसी में लगा रहेगा, उसकी मानसिक दशा, उसकी परिवार की दशा क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न जानते हो बच्चों क्या होता है? जब बच्चों से माँ बाप पूछते हैं बेटा तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है, इसका पेपर की डेट कब है, इसको कब आएगा, कब तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जब बगल आस पड़ोस वाले पूछने लगते हैं तैयारी ही कर रहे हैं। आपके शायद मुंह पे बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि आपके पेरेंट्स पे क्या बीतती है, जब पड़ोस के अंकल आते हैं और बोलते हैं आपका बेटा भी तैयारी कर रहा है, उसका कहीं हुआ नहीं, ना हो तो उसे कोई काम धंधा करवा दो, ऐसे तो बहुत समय हो रहा है, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि आपका स्ट्रगल कितना ज़्यादा है। और ये इसके कारण बच्चों आप नहीं हो, इसका कारण ये है, ये लेट लतीफा है। और यही नहीं, इसके कारण ही ये सारा ओवरलोड हुआ जा रहा है। जहां पे आपको पहले एक परीक्षा थी, उससे एक परीक्षा देके आपका सिलेक्शन हो जा रहा था, अब आप उसके लिए 2-3 उपक्रम हो गए हैं, 2-3 चरण हो गए हैं, और उसके बाद भी भाई जितने स्टेज होंगे उसमें आप धांधली कराओगे, उसमें STF पकड़ेगा, उसमें आप लेट लतीफा करोगे, वो तो होता ही रहेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और सबसे बड़ी बात है आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान की बात करें, एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले अगर PET का फॉर्म भरवाते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ। PET का फॉर्म भरवाएंगे 185 रुपये का, फिर कोई मुख्य परीक्षा निकलवाएंगे, ये 25 रुपये तो उन्हें सबसे लेना है। सबसे गंदी चीज यही है कि आप मुख्य परीक्षा निकाल तो दे रहे हो, फिर ये नहीं शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो कि कितने परसेंटाइल वाले बच्चों का चाहिए। आप फॉर्म सबसे भरवा रहे हो 25 रुपए, आपको लग रहा है कि बच्चा 25 रुपए की कीमत नहीं समझता है, 25 रुपए तुरंत दे देगा, वो तो मजबूर है, वो तो परेशान है, और आपका इसका आप अपना राजकोष भर रहे हो वहां पे, आप अपना वहां पे कहीं ना कहीं कोषागार मजबूत कर रहे हो, तो वो बच्चों पे नहीं समझ रहे हो कि वो 25 रुपए भी उस बच्चे के लिए कितना मायने रखता है। और बात 25 रुपए की केवल नहीं है, उसके मेंटल स्टेटस की, उसके टेम्परामेंट की है, उसका आप किस तरह से मानसिक शोषण कर रहे हो इसकी है। तो 185 वहां पे गया, 25 यहां पे गया, 210 रुपए तो इसका वहां पे चला गया, फिर मुख्य परीक्षा में भी आप 200 रुपए ले रहे हो, मतलब एक बच्चा 410 रुपए एक परीक्षा के लिए दे रहा है, एक परीक्षा के लिए 400। और 410 ही नहीं भाई, PET का सेंटर आप 300 किलोमीटर दूर भेज दिए, बच्चा जाएगा टिकट, बस का ट्रेन का टिकट लेगा, उसमें 400-500 रुपए रहेंगे, कहीं जाएगा रास्ते में कुछ खाएगा पिएगा कि भूखे रह जाएगा, उसका होगा, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी दवाइयां लेगा, उसका पैसा कौन देगा, उसके बाद फिर कहीं स्टे करेगा, अगर समय से नहीं निकला है तो किसी का ज्यादा दूर है तो उसका पैसा कौन देगा। एक परिवार, एक सामान्य परिवार के जिसकी महीने की कमाई 2-3 हजार है, जो एक किसान वर्ग से बिलोंग करता है परिवार, उससे जाके पूछे वो
400, 500, 1000, 2000 जो केवल एक परीक्षा पीएटी के पीछे 2000 रुपए लगा देता है, उस पर क्या स्थिति गुजरती, क्या उसके पास और परीक्षाएं नहीं है? ऐसे यूपीपी की परीक्षाएं हैं, ऐसे अन्य विभाग की परीक्षा है, एसएससी की परीक्षा है, तो महीने में एक बच्चे के ऊपर उसके खाने का, उसके रहने का, उसके किताबों का, उसके पढ़ने का देखा जाए तो 15 से 20 हजार खर्चा आ जाता है। ये मैं ऐसा नहीं अतिशोक्ति बोल रहा हूं, अगर ओवरऑल आप सब जोड़ लोगे ना परीक्षाओं का हर चीज ओवर कैलकुलेशन करके, और वो अल्टीमेटली लोड किस पे आ रहा है? पेरेंट्स पे आ रहा है। तो पेरेंट्स अगर बच्चे से पूछता है तो वो कहीं ना कहीं खींचा ही तो होता है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कितना उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी वैकेंसी जो थी एक माध्यमिक लिपिक वाली, उसमें भी आप पीटी के माध्यम से पहली बात तो पेपर नहीं ले रहे हो, दूसरी बात आप क्या कह रहे हो, दूसरी स्कूल वाइज कर दे रहे हो, एक पोस्ट के लिए हर बच्चा आवेदन कर रहा है, उसके बाद भी सर्टेन नहीं है कि भाई वहां पे प्रिंसिपल की घर मिली होगी कि वहां पे कितना ज्यादा पैसा चल जाएगा। तो आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो शब्द मैंने लिखा है जोखिम, जोखिम शब्द बच्चों इसलिए लिखा हूं, ये मैं पीटी केवल कमियां गिना रहा हूं, और जोखिम शब्द केवल इसलिए बोल रहा हूं कि एक बच्चा जो 6 महीने से 8 महीने से तैयारी कर रहा है, उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद 1-2 घंटे का ही हो सकता है भाई, उस 2 घंटे में 300 किलोमीटर सेंटर आप दे दियो पहुंचना पाए, हो सकता है कि रास्ते में उसका कुछ ऐसा खा लिया और तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है एकदम भागा दौड़ी में उसका दिमाग ना शांत हो पाए, वो 2 घंटा क्या उसका पूरा साल डिसाइड करेगा कि पूरे साल में अब वो किसी वैकेंसी में नहीं बैठ पाएगा, सबसे वो वंचित हो जाएगा। अब क्या ये आप बच्चों के साथ क्या कर रहे हो यार? ये फिर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी किसी भी चीज़ की मुझे जरूरत थी, ये बच्चों की जरूरत थी, या फिर हम जैसे युवा को अगर आप ऐसे परेशानी में डालोगे फिर तो देश तरक्की का आप नाम ही ना लो, आप केवल एक प्रोपेगेंडा बना रखे हो। तो मैं बहुत सारी चर्चाएं नहीं करूंगा, बट इतना बोलूंगा, इतना नुकसान मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पेटी का नुकसान क्या है। अब बच्चों हमारे पास विकल्प ये बचता है कि या तो हम इस पीएटी के लिए अपनी आवाज उठाएं, और वो आवाज उठाने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक बार सभी को एकजुट होना पड़ेगा, वो मैं बहुत छोटा चैनल हूं या कोई बहुत बड़ा है, सबको एक साथ आना पड़ेगा। अगर कोई नहीं स्टार्ट करता, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं वो एक चिंगारी बनूं जो एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आए, टीम परीक्षा प्लस एक कुछ ऐसा कर जाए जो आपके लिए बहुत ज्यादा हितकर साबित हो जाए बच्चों। और इसके लिए भी आप केवल साथ दे सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को आप जागरूक कर सकते हो, उनके साथ चीजें साझा आप कर सकते हो, और जिन संस्थाओं से आप जुड़े हो उन संस्थाओं के टीचर्स को ही आप प्रेरित कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता है। तो बच्चों में एक बार विनम्र जो मेरी विनती है आपसे कि ये सारी चीजें आप एक बार परीक्षा प्लस से तो डायरेक्ट टच में रह ही रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले महीने में कंटिन्यू मैं इस पे तो लगातार मेहनत करने वाला हूँ, इस बात को मैं आपको बोल रहा हूँ। और कोई ना कोई मैंने हम पूरे परीक्षा प्लस को बात किया जाए तो यूपीएसआई एएसआई में एक एक बहुत कम बच्चे थे, बहुत छोटी वैकेंसी थी, लेकिन एक एक बात हमने मनवाई है, केवल ठान लिया था। तो अगर हम ठान ले रहे हैं पीटी के लिए तो नो डाउट कि हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे भी। और इसके विपरीत भी बच्चे होते हैं कि चलो होने दो, हमें क्या है, हमारा शोषण होने दो। तो ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं इतना बोल रहा हूँ, नहीं आगे आना चाहते हो तो इतनी ये सारी जो वैकेंसीज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आप इसमें अजमाओ, क्योंकि पीईटी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी मुख्य परीक्षा को भूल जाओ, इधर आप में इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप टॉप के 5 से 10%, ये 5% भी केवल बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पद केवल 1200-800 और कुछ पद तो 100 भी नहीं पूरे हो रहे, उनमें तो टॉप 1%, तो मैं 5% भी नहीं बोलूंगा, 0.1% से 10% के बीच में अगर आप, और सबसे ज्यादा झुकाव आपका इधर होना चाहिए, इसके बीच में लाई कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। और इसके बीच में लाई नहीं कर रहे हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो आप, तो बच्चों फिर आपके लिए और कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो आप सबसे ज्यादा फोकस हो जाओ वीडियो एग्जाम में। 1953 इसके पद थे, 18 लाख लगभग इस पर फॉर्म भरे गए थे, कंपटीशन लगभग वही है, कम ज़्यादा तो कितना अपीयर होते हैं वो होगा, इसके लिए अलग से वीडियो भी आशीष सर बना देंगे, चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसे बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो भी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार से हो सकता है ज़्यादा या कम, ये तो पेपर में जितना अपीयर होंगे वो तभी पता चलेगा, लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जो पेपर नहीं दिए थे क्या वो अपीयर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जो पेपर नहीं दिए थे वो भी अपीयर हो पाएंगे, केवल फॉर्म भरना जरूरी है, एग्जाम में अपीयर होना जरूरी नहीं था, सभी लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक आपके लिए, क्योंकि अवसर की बात करें, आसान है कठिन है ये आपको एक अन्य वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन अवसर केवल आपके लिए एकमात्र विकल्प अगर अधीनस्थ की कोई नौकरी है तो वीडियो और एग्जाम बचा है, इसके अतिरिक्त तो कोई नौकरी नहीं बची है अधीनस्थ की मैं बात करूं तो। दूसरी बात अगर आप बात करो तो फिर अगर किसी दूसरे विभाग में तो यूपीपी के 45,000 पद आ रहे हैं, जिसमें कांस्टेबल है, रेडियो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऐसे बहुत सारे पद आ रहे हैं, आप उनकी तरफ झुकाव कर दो। एसएससी आप
राज्य स्तर, अब तो मैं ये बोलूंगा राज्य सरकार से ज्यादा बेहतर इस वर्ष, क्योंकि 2024 में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सबसे ज्यादा वैकेंसी एसएससी से आने वाली है। 21,000 वैकेंसी सीजीएल से आ चुकी है। ऐसे ही देखा जाए 5,000 अभी आपका सीपीओ लगा ही लगा है। फिर देखा जाए तो एमटीएस के 8-9 हजार पद आएंगे, सीएचएसएल के 7-8 हजार पद आएंगे। ऐसे मिला के अगर हम देखा जाए तो पूरा का पूरा एसएससी में 65 से 70 हजार पद है, जो आपके लिए एक अवसर है और शायद इससे अच्छा अवसर कभी ना मिले। इन सब पे मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। आरओ, और अगर आप 2-3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हो, कहीं पे सिलेक्टेड हो, या आपको लगता है कि अब इस ग्रेड पे की नौकरी आपको नहीं चाहिए, कंपटीशन ज्यादा है, तो ज्यादा बेहतर विकल्प आपके पास है आरओ या आरओ जो यूपी पीसीएस से आ रही है, बीओ आ रही है यदि आपके पास इसकी एलिजिबिलिटी है, और पीसीएस 2023 आ रहा है, ये आपके सही है। बाकी अगर कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, टीजीटी पीजीटी है, सुपर टेट तो मैं सर्टनली नहीं बोल सकता हूँ कि कब आएगा, या फिर डीएसएसबी में बहुत सारे पोस्ट आते हैं या अन्य भी उसमें केंद्र से वैकेंसीज आती है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीटेट तो मान लो हाई है, वहाँ से वैकेंसीज आती रहेंगी। तो ये आपके लिए एक मोटा मोटा सा है, आप इसके एकदम सब कुछ छोड़ के फिर इन परीक्षाओं पे लग जाओ, क्योंकि अधीनस्थ फिर दिमाग से निकाल दो। हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन सच्चाई है ये कि इस वैकेंसी के आगे, पीटी के आगे अब आप अधीनस्थ की नौकरी नहीं मिलेगी अंटिल एंड अनलेस यू आर बिलोंग टू 0.1 to 10%। बस इतना ही क्राइटेरिया आपके लिए होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों बाकी आपको सारी चीज़ें आशीष सर बता देंगे इसमें वीडियो के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो का इंतजार भी करिएगा। अगर आपके कुछ भी डाउट है या फिर एक मुहिम है, तो चाहूंगा कि सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि कौन टीम परीक्षा प्लस के साथ में हो, कमेंट करके मुझे बताओ कौन टीम परीक्षा प्लस के साथ में हो, कि एक पीटी के लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाई जाए। एक बहुत अच्छा, अब ट्विटर कंपेन से कुछ नहीं होने वाला, हवा हवाई कुछ नहीं होने वाला, हमें आयोग के सामने 1,000, 2,000 नहीं 30, 40, 50 हजार जैसे एसएससी में एक बार हुआ था, वैसे हमें यूपी ट्रिपल एससी में करना पड़ेगा। और अगर इतना बड़ा मुहिम के लिए अगर आप तैयार हो तो कमेंट में एक बार हाँ जरूर करो बच्चों, क्योंकि मेरा भी हौसला आपके प्यार, आपके स्नेह और आपके विश्वास से है, शायद इसके बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को।